बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाले नीलम कोठारी ने कई शानदार फिल्में की हैं। एक्टिंग के साथ नीलम अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। गोविंदा के बाद नीलम का बॉबी देओल के साथ करीब 5 साल तक अफेयर रहा। दोनों के बीच खूब प्यार रहा, इतना ही नहीं दोनों ने शादी करने का मन भी मना लिया था। लेकिन बीच में धर्मिंदर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मिंदर नहीं चाहते थे कि उनकी बहू बॉलीवुड एक्ट्रेस हो, इसी कारण बॉबी देओल को अपना रास्ता अलग करना पड़ा। हालांकि नीलम ने इन खबरों से साफ इनकार कर दिया था। नीलम ने भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बोला है। दरअसल नीलम और बॉबी के अलग होने के बीच इस बात की भी अफवाह फैली थी कि पूजा भट्ट के बीच में आने की वजह से उनका रिश्ता टूटा है। इस खबर को सुनने के बाद नीलम ने एक इंटरव्यू में बताया, हाँ मैं बॉबी देओल से अलग हो गई हूँ, हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि पूजा के कारण हमारा रिश्ता टूटा है। स्टारडस्ट मैगजीन में इसका साफ जिक्र किया है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब झूठ है। हमारा रिश्ता पूजा की वजह से नहीं बल्कि हमारे सहमति की वजह से खत्म हुआ है। आपको बता दें कि बॉबी देओल और नीलम 5 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। नीलम ने बाद में खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया है। हांगकांग में पैदा हुई नीलम 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन रही है। नीलम ने कई हिट फिल्में भी दी हैं। करियर की शुरुआत में नीलम का नाम गोविंदा के साथ भी जोड़कर देखा गया है। हालांकि बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी आई। साल 1995 में बॉबी देओल ने भी फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि नीलम और बॉबी देओल का रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया था। बॉबी देओल ने साल 1996 में तानिया से शादी कर ली थी। और आपको बता दें कि तानिया फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Subscribe to my channel and also press this bell icon.